हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि DOL स्टार्टर की ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं। दोस्तों, DOL स्टार्टर की जो ड्राइंग होती है, ये सबसे सिंपलेस्ट ड्राइंग होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और यह सबसे ज़्यादा कॉमन ड्राइंग भी है। मतलब जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ ड्राइव्स जो होगी वो आपको DOL स्टार्टर के थ्रू ही रन होती हुई मिलेगी। इसलिए DOL स्टार्टर के ड्राइंग को रीड करना इम्पॉर्टेंट भी है, और आपको इस बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राइंग है DOL स्टार्टर की, इसे कंट्रोल ड्राइंग कहा जाता है। देखिए, दो तरीके की ड्राइंग होती है, एक तो होता है पावर सर्किट और एक होता है कंट्रोल सर्किट। तो इसको हम लोग कंट्रोल सर्किट कहते हैं। अब कंट्रोल सर्किट अलग इस तरीके से होगा कि पावर सर्किट में तो तीन फेज होते हैं। हमें जो इंडस्ट्रीज में हम लोग जो ड्राइंग रेफर करते हैं पावर सर्किट की, वो नॉर्मली थ्री फेज पर रन होती है RYB। पर जब हम कंट्रोल सर्किट की बात करते हैं तो उन्हीं तीन फेज में से एक फेज हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल सर्किट के लिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये R फेज है, तो जो पावर सर्किट में RYB तीन फेज आए हैं, उसमें से R फेज मान लीजिए मैंने यूज़ किया इस कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देने के लिए। तो सबसे पहले तो R फेज मैं लेके जाऊंगा ओवरलोड रिले में। देखिए, ओवरलोड जो रिले होता है, ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है कि जब भी मोटर एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा करंट ड्रॉ करे तो रिले उसे सेंस करे और सर्किट को ट्रिप करे। तो इसलिए हम लोग सर्किट में सबसे पहले ओवरलोड रिले लगाएंगे। उसके बाद आएगा स्टॉप पुश बटन। अब स्टॉप पुश बटन, दोस्तों, इंडस्ट्रीज में एक पुश बटन होता है जिसे इमरजेंसी पुश बटन भी कहते हैं। कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो फीडर साइड में या तो फिर ड्राइव साइड में, तो ये स्टॉप पुश बटन दबाने से ड्राइव वहीं पर बंद हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया है कि जब भी आप स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा और आपकी ड्राइव बंद हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आता है स्टार्ट पुश बटन। देखिए, स्टार्ट पुश बटन वो जगह है जहाँ से आप मैन्युअली बटन दबा के किसी भी मोटर को चालू करते हैं। तो इसलिए स्टार्ट पुश बटन में यहाँ पर हमने NO कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट NO से NC में कन्वर्ट होगा और सप्लाई नीचे कॉन्टैक्टर में जाएगी और आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे वैसे ही सप्लाई कॉन्टैक्टर में गई, आपकी मोटर ऑन हो गई। पर आप हमेशा बटन को वहाँ पर दबा के खड़े नहीं रह सकते। आप एक बार बटन दबाएंगे और फिर वो बटन छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर आप बटन दबाते हैं तो सप्लाई कॉन्टैक्टर में जाएगी और मोटर ऑन हो जाएगी, पर जैसे ही आप वो बटन छोड़ेंगे ये कॉन्टैक्ट फिर से NO हो जाएगा और सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। तो इस केस में आपकी मोटर बंद हो जाएगी। अब इंडस्ट्रीज़ में हम कंटिन्यूसली बटन को दबा के नहीं रख सकते, तो उसके लिए यहाँ पर होल्डिंग कॉन्टैक्ट यूज़ किया जाता है। देखिए, ये K1 कॉन्टैक्टर है और K1 कॉन्टैक्टर का एक NO कॉन्टैक्ट मैंने स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में यूज़ किया है। इसका फंक्शन ये है कि जब भी हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे, ये कॉन्टैक्ट NC होके कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। तो इस कॉन्टैक्टर के पिकअप होते ही ये NO कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से जब आप ये बटन छोड़ भी देंगे तो सप्लाई इस पैरेलल पाथ के थ्रू कॉन्टैक्टर को कंटिन्यूसली पिकअप रखेगी। तो ये काम होता है होल्डिंग कॉन्टैक्ट का, कि जब हम स्टार्ट पुश बटन छोड़ दें तो भी हमारी ड्राइव बंद ना हो, हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली पिकअप रहे और ये पैरेलल पाथ के थ्रू सप्लाई कंटिन्यूसली जाती रहे, कंटिन्यूटी रहे आपके सर्किट में। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली DOL सर्किट को हम लोग रीड करते हैं। फेज और न्यूट्रल सिंगल फेज का होता है हमारा कंट्रोल सर्किट। तो पहले हम ओवरलोड रिले लगाएंगे, स्टॉप पुश बटन में NC कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, स्टार्ट पुश बटन आएगा जिसमें NO कॉन्टैक्ट यूज़ किया जाएगा, ये बटन दबाते ही कॉन्टैक्ट NC होगा और आपका कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, ये K1 कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट, देखिए मैंने यहाँ भी K1 लिखा है, NO कॉन्टैक्ट हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लेंगे ताकि यहाँ से आपकी कंटिन्यूटी सर्किट में बनी रहे, आपकी ड्राइव कंटिन्यूसली रन होती रहे। तो ये दोस्तों एक सिंप्लीफाइड सर्किट है DOL स्टार्टर का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।